आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाला है व्हील एंड इट्स स्ट्रक्चर, पहिया और इसकी संरचना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। किसी भी यांत्रिक प्रणाली की कल्पना करना कठिन है जो पहिए के बिना संभव होगा या एक सममिति गति के एक अक्ष के बारे में एक घटक के विचार से एक छोटी सी घड़ी, गियर से लेकर ऑटोमोबाइल, जेट इंजन और कंप्यूटर डिस्क ड्राइव तक सिद्धांत एक ही है। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा मशीन जिसमें पहिए ना लगा हो, जिसमें गियर ना हो, ऐसा कल्पना करना कठिन है। कोई भी ऐसा मशीन कोई भी हो और उसमें गियर ना लगा हो, ऐसा हम नहीं कल्पना कर सकते हैं। आप देख लीजिए, घड़ी से लेकर, घड़ी में भी चक्कर होता है, गियर होता है, ऑटोमोबाइल, जेट इंजन, कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव तक जितने भी हैं, सब में पहिए, गियर, कुछ ना कुछ होता है। शुरुआती पहिए धुरी के लिए एक छेद के साथ सरल लकड़ी के डिस्क थे। इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि शुरुआत में जब लकड़ी के पहिए थे तो एक डिस्क की तरह लगते थे देखने में और बीच में होल हुआ करते थे। लकड़ी की संरचना के कारण पेड़ के तने का एक क्षैतिज टुकड़ा उपयुक्त नहीं है, एक क्षैतिज टुकड़ा ही उपयुक्त नहीं है लकड़ी के तने का, क्योंकि इसमें ढहने के बिना वजन का समर्थन करने के लिए संरचनात्मक ताकत नहीं है। अनुदैर्य्य बोर्डों को गोल टुकड़े की आवश्यकता होती है। एक लकड़ी के पहिए और उसके धुरी का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण 2003 में स्लोवेनिया की राजधानी लजुब्लजाना से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में लजुब्लजाना मार्शेस में पाया गया था। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये 5100 और 5350 वर्ष के बीच है। इसका व्यास 72 सेंटीमीटर यानी 28 इंच है और ये एक राह की लकड़ी से बना है। ये उसी पहिए की बात कर रही है जो 2003 बलाजाना मार्स में पाया गया था, उसी की पहिए की बात कर रही है। जबकि इसका धुरा ओक से बना है। स्पोक व्हील का आविष्कार हाल ही में किया गया था। अनदर पॉइंट में कहता है कि स्पोक व्हील हाल ही में किया गया था और इसने लाइटर और स्विफ्ट वाहनों के निर्माण की अनुमति दी थी। सिंधु घाटी और उत्तरी पश्चिमी भारत की हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उल्लेखनीय कलाकृतियों मिट्टी के बने खिलौने हैं जो तेत या राहत के साथ मिट्टी से बने होते हैं और मुहारों की लिपि में प्रवक्ता के पहिए का प्रतीक है। जी, लकड़ी के सबसे पहले ज्ञात उदाहरण स्पोक व्हील एंड्रोनोवो कल्चर के संदर्भ में है जो एक कि 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग है। इसके तुरंत बाद काकेशस क्षेत्र के घोड़े संस्कृतियों ने 3 शताब्दियों के अधिक से अधिक भाग के लिए घोड़े से तैयार किए गए स्पोक व्हील वार रथों का इस्तेमाल किया। वो ग्रीक में गहरे चले गए प्रायद्वीप जहां वे मौजूदा भूमध्य सागरीय लोगों में शामिल हो गए। आप समझ गए होंगी ये हिस्ट्री क्या कहना चाह रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही तक बात करने वाले हैं।